जब जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत वो सामने दिखने लगती है ना, तो दुनिया के सारे धरे के धरे रह जाते हैं। ये दुनिया झूठी लगने लगती है, फरेब लगने लगती है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं आपकी दुल्हन एक दिन के लिए बनूं कि पूरी जिंदगी के लिए, और अगर मेरी जिंदगी एक दिन के लिए तो मैं क्या करूं? मेरे लिए तो वही जिंदगी है ना। चाय पियो। अब नीनू की मौत को लेकर इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है पंकज। दुख तो है दीदी, मुझे लगता है कि मुझे पाने की चाह ने उसकी जान ले ली। रमेश, वो अपनी मौत मरी है, उसकी मौत की जिम्मेदार तू नहीं है। एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट, उसे कैंसर था। उसके कैंसर का इलाज हो तो रहा था ना, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी था। अच्छा, तो उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर कब तक मातम मनाता रहेगा? मेरे दिल में जो उसको लेकर जज्बात हैं, वो उसकी मौत के साथ मर नहीं जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि वो मर गई, ये तो कहीं तू उसकी जिद में आकर उससे शादी कर लेता तो जिंदगी भर तुझे रोना पड़ता। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता। अगर शादी हो जाती तो कम से कम इस बात का इत्मीनान होता कि वो सुकून से मरे। तू इतना क्यों सोच रहा है पंकज? ना भी जाऊं तो भी वो मेरी सोच में शामिल रहे। अच्छा ये बता, उसकी मामी चली गई क्या? हाँ, उसकी मामी चली गई, वो उसकी देखभाल के लिए आई थी, वो वहीं से वापस चली गई। अगर तू मुझे बता देता तो मैं मीनू की मामी को मिल लेती, उनसे मिलकर उसकी मौत का शोक तो जता देती। जब दिल में इस तरह की कोई बात ना हो तो दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो दुनिया का दस्तूर है उसे निभाना ही पड़ता है। पता नहीं मुझे तुझे मुझसे इतनी नफरत क्यों होने लगी, जैसे कि मैंने ही मीनू को मार दिया हो। नहीं दीदी, आपने नहीं, मैंने मारा मीनू। ये उसकी नॉर्मल मौत नहीं, उसने खुदकुशी की है। और जस्ट शट अप, मैं नहीं मानती। और ये फालतू बात को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दे, समझा कि नहीं? जज्बात में आकर कुछ भी सोचने लगता है, बेवकूफ कहीं का। सारी पैकिंग हो गई? जी सारी पैकिंग हो गई, कुछ रह गया होगा तो बाद में देख लेंगे। बाद में कब? अरे हम कल सुबह जाने वाले हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। पता नहीं हमारे जाने के बाद इस घर की क्या हालत होगी। हर घर के अपने दुख दर्द होते हैं, अगर इस तरह से सोचोगी तो तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे इस घर को किसी की नजर लग गई है। कितने वक्त बाद सागर आया था और अब वो भी लौट गया। एक बात बताऊं, तुम्हें क्या लगता है सागर यहाँ रहने के लिए लौटा है? वो लखनऊ से भागा है और यहाँ शेल्टर ले रखा है। लेकिन नंदिनी ने तो पूरी उम्मीद लगा रखी थी ना उससे। आज तक कौन किसकी उम्मीद पर खरा उतरा? क्या मतलब? अब नंदिनी से भी तो सबने उम्मीद लगा रखी थी कि वो शादी करके अपना घर बसा लेगी। अगर वक्त रहते इस घर के किसी बेटे ने अपनी जिम्मेदारी ली होती तो आज नंदिनी शादी कर लेती। उसने अपने पीहर के खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। इस कुर्बानी से किसका भला होने वाला? इस घर का या नंदिनी का? अब इस घर का मुकद्दर ही खराब है तो कोई क्या कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस घर की खुशियां वापस आएंगी। इस घर के आंगन में किसी की मुस्कान बिखरेगी। चार रिश्ते आंसुओं से सींचे गए हो, वह मुस्कान कहां से आई? इसलिए कहता
कि यहां से निकलकर अपनी जिंदगी अपनी घर गृहस्थी के बारे में सोचो, वरना ऐसा ना हो कि हमारी खुशियों को भी किसी की नजर लग जाए। मुझे लगता है नंदिनी का अपना ससुराल छोड़कर पीहर आना ही अपशकुन हो गया। अब इन बातों का क्या मतलब है? पीहर के लिए आई थी ना, अब रहे पीहर में। मामा जी के बारे में सोचकर दुख होता है, न जाने उनके नसीब में और क्या क्या देखना लिखा है। एक बात का अफसोस है, भाई होने के नाते मैं आपको एक दिन भी खुशी नहीं दे पाई। खत्म हो गई मेरी कहानी, और जब मैं यहां से चला जाऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया हूं। शायद मुझे मेरे मां बाप की दुआ नहीं मिली। बहुत दिल दुखाया था ना मैंने, शायद उसी की सजा मिल रही। चलता हूं दीदी, और अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो हेलो नंदिनी। हाँ पंकज जी बोलिए। नंदिनी एक बुरी खबर है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। क्या खबर? वो मीनू अब इस दुनिया में नहीं रही। कब हुआ? आज शाम 6 बजे हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। ओह माय गॉड, बेचारी जीना चाहती थी लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। अपने अधूरे सपने, अधूरी इच्छा लिए चली गई। मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। आप उसे जिंदगी जो देना चाहते थे। नंदिनी इसी बात का तो अफसोस, मैंने अपने आप को राजी भी कर लिया था, मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जा रहा था। मेरी ही बाहों में उसने आखिरी सांस ली। इस वक्त तो बस भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि मीनू की आत्मा को शांति दे और आपको ये कम बर्दाश्त करने की शक्ति दे। पहली बार मैंने किसी की मौत को इतने नजदीक से देखा। समझ सकती हूँ मैं, मुझे भी मीनू की मौत का बहुत अफसोस है। चाहत का तमाशा क्यों बना रहे हो पंकज? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। ये हम दोनों के बीच की बात है, नंदिनी कहाँ से आ गई है बीच में? तरस खा के अगर पंकज जी ने तुम्हारी मांग मार भी दी तो वो कोई शादी नहीं होगी, एक समझौता होगा। समझौता ही सही, लेकिन मैं मरने से पहले पंकज की बीवी बनाने का हक चाहती हूँ। दुनिया करके बचपना है ना, और ये बच्चों की तरह जिद है मेरी, तो आप क्यों नहीं बड़ी बनकर पंकज नाम का खिलौना मेरे हवाले करते थे? तक जग रही हो? सोई नहीं? अरे सुबह तुमको जाना है भाई, इसीलिए तो आई हूं। पता नहीं सुबह बात करने का मौका मिलेगा कि नहीं। देखो अब इस घर का ख्याल छोड़ो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। यहां जो कुछ होना था ना सब हो चुका, खत्म हो गया खेला। फिर भी मामा जी
दिल तो हमेशा आप लोगों के बारे में ही सोचता रहेगा ना। वो इसलिए कि तुमको इस घर से नंदिनी से सबसे लगाव है ना, ये मोह इतनी जल्दी छूटेगा थोड़ी ना। तुम बेटा अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, यहाँ जो हाल है वो तो हम कैसे भी जी लेंगे। तो कहते ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। वो तो है मामा जी, अब पता नहीं मेरा आप सब लोगों से कब मिलना होगा। ऐसा क्यों कह रही, तुम कभी वापस नहीं आओगी क्या? क्या पता आ पाऊंगी कि नहीं। हाँ ये भी सच है, अब जिंदगी का कोई ठिकाना थोड़ी ना। आज हम हैं कल नहीं होंगे, कल तुम यहाँ आओ और देखो कि हम ही नहीं जिंदा है। भगवान आपको लंबी उम्र दे मामा जी, आपको तो जीना है नंदिनी के खातिर। अरे कौन किसके खातिर जिया है आज तक है? कौन जिया है किसके खातिर? हर कोई अपनी सांसें जीता है। जब भगवान का बुलावा आता है ना, तो वो तुमसे नहीं पूछेगा ना नंदिनी से पूछेगा, बस उठा ले जाएगा वो। कल इस घर में हम सबके जाने के बाद आप दोनों अकेले रह जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, और नंदिनी खाने की बहुत चोर है, आप उसे अपने सामने बिठाकर खाना खिलाइएगा। सब करूंगा, जो भी बनता बनेगा ना वो सब करूंगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। अब जो भगवान ने जैसे भी ये रिश्ता जोड़ा है ना, इसी को अपना सब कुछ मान के चलना। अब कोई बचपना मत करना, कि अब अगर जिंदगी बिखरी ना तो फिर संभाली नहीं जाएगी। जाकर सो जाओ, कल के तुमको उठना भी है ना। ठीक है मामा जी। अरे अब ये रो क्यों रही है? वो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, रोते नहीं है सब। ये तो होता ही है, आदमी मिलता है फिर बिछड़ता है, मिलना बिछड़ना सब लगा रहता है, इसमें रोने वाली कौन सी बात। खुश होके अपनी जिंदगी संभालो, खुशी से रहो, अपना ख्याल रखना, किसी बात की चिंता मत करना, ठीक है? रोते नहीं, आंसू पोंछ चुका है। मौत की खबर दे रहा था? नंदिनी को फोन करके बता रहा था, पर उसको बाद में पता चलता तो पता नहीं क्या सोचती। अच्छा किया नंदिनी को फोन करके बता दिया, नहीं तो मैं खुद ही उसे फोन करने वाली थी। वैसे क्या क्या कह रही थी नंदिनी? कहेगी क्या? उसे भी मीनू के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। दुख वाली बात तो है ही, नंदिनी भी मीनू से मिल चुकी थी ना, ना मिलती तो बात कुछ और थी। मरने वाले के साथ उसकी जिंदगी का इतिहास भी खत्म हो जाता है। आने वाले दिनों में लोग मीनू का नाम भी भूल जाएंगे। भुलाना ही पड़ता है, उसे याद करके कोई फायदा है क्या? देख पंकज, उसे याद करके सिर्फ तू अपने आप को दुखी कर सकता है और कुछ नहीं। कल को मैं भी नहीं रहा तो
आप भी मुझे याद नहीं करेंगे, मुझे भूल जाएंगे। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, तू होश में तो है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? लगता है मीनू की मौत का मातम मनाते हुए तू अपनी सुधबुद्धि खो बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं। फिर बात क्या है? मीनू अब मर चुकी है, अब उसे भुला के तू अपने बारे में सोच, अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मौत को देखने के बाद जिंदगी जीने का कोई अर्थ ही नहीं लग रहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तू इतना सोच क्यों रहा है। अरे जिंदगी और मौत तो लगी ही रहती है, मरने वाले के साथ मरते नहीं है, हमें अपने अपने आप की खुद की जिंदगी जीनी ही पड़ती है। जिंदगी जुल्म क्या नहीं करती, मौत जब तक भला नहीं करती, वक्त आने पर आ ही जाती है, मौत हरगिज टला नहीं करती। ये तो अच्छा ही हुआ, तेरी सारी दुविधा अब दूर हो गई। अब मैं जाके नंदिनी से बात करती हूँ, अब इस मामले में मैं और देर नहीं कर सकती। लगता है नंदिनी अभी तक सो रही है। नहीं, वो जानती है हम लोग जाने वाले हैं। नंदिनी, अरे भाभी, आप लोग ऑलरेडी तैयार हो गए, अभी निकल रहे हैं? हाँ, इन्हें जरूरी काम है इसलिए जाना है। अरे दो मिनट रुक जाइए, मैं बस ब्रेड बटर लगा के दे देती हूँ, साथ ले जाइएगा। नहीं नंदिनी, तुम परेशान मत हो, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। आप लोग इतने दिनों तक यहाँ थे, घर जैसा ही लगा, कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन आप लोग वापस भी जाओगे। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन अब इनके काम का बहुत नुकसान हो रहा है। नंदिनी अपना ख्याल रखना, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे तो अब अकेले रहने की आदत सी हो गई है। फिर भी कभी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो हमें फोन जरूर करना। नंदिनी, हम यहाँ से जा जरूर रहे, लेकिन हमारा दिल यही तुम लोगों के साथ रहेगा। हाँ, और भाभी मेरी चिंता मत करना, आप दोनों एकदम खुश रहना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। ये क्या भाभी, प्लीज, अगर आप इस तरह आंसू बहाओगी तो मेरा क्या होगा, सोचा है आपने? मैं कैसे जी सकूंगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी नंदिनी। अरे याद आएगी तो क्या है, आप ही का घर है, फिर आ जाना, या फिर मुझे याद आएगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, है ना? कानपुर दूर ही कितना है। हाँ नंदिनी, ये ठीक रहेगा, तुम हमारे साथ आगे रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम्हारे आने से हमारा भी मन लग जाता है। अब हम चलते हैं। आई, मैं आप लोगों को बाहर तक। अरे नहीं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे, तुम परेशान क्यों हो रही हो, चले। ध्यान रखिएगा भाभी।